हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका शुभम, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से आप अपने चैनल का प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हूं अपने चैनल के डैशबोर्ड में, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी सारी चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू ए प्लेलिस्ट। अभी देख सकते हैं मेरे चैनल पे कोई भी प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है। प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे क्रिएट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है विजिबिलिटी। देखिए, पहले सबसे पहले आप यदि फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो विजिबिलिटी में आप इसे अनलिस्टेड या प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एक बार देख सकते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट किस प्रकार से बनी है, 1x1 वीडियो है कि नहीं। जैसे किसी भी आप एजुकेशन फील्ड में, यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि एलसीएम एससीएफ के निकाल रहे हैं तो लेक्चर बाई लेक्चर है, कि रेशियो के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो वो 1x1 है, या फिर CISI आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं इसे फिलहाल अनलिस्टेड कर देता हूँ। अब जैसे कि मेरी वीडियो में कुछ मोबाइल से रिलेटेड वीडियो भी डली हुई है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल वाली वीडियो डाल देती हूँ। ये हो गया मोबाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपको देखेंगे गाइज, यहाँ पे एक भी वीडियो, एक टाइटल होता है यहाँ पे बेसिकली। जैसे ये मोबाइल लिखा है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं होता। अब इसके अंदर आपको वीडियो कैसी लगानी है, ठीक है। तो वीडियो लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा और अब आप एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो टाइटल क्रिएट करने के लिए बोल रहा था। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वीडियो, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे वीडियो सर्च, मतलब आप यहाँ पे टाइटल देंगे वीडियो का कि आपने क्या टाइटल दिया, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपकी ही वीडियो यहाँ पे शुरू होगी। उसके बाद आप यहाँ पे URL भी डाल सकते हैं, यदि आपको URL मतलब कॉपी करके पेस्ट करना है अपनी वीडियो को। यहाँ पे चैनल को ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद ऐसे कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है जो कि बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर YouTube वीडियोज। तो मतलब आपने अभी तक जितने भी वीडियो क्रिएट की हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोई सी भी वीडियो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड ही की वीडियो ये है जो USPI का किया था। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे, उस पर आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होने लगेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे फिर से वीडियो पे ऑप्शन पे चला जाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैंने मोबाइल से रिलेटेड एक बनाया है, तो मैं जो भी मोबाइल से होगा उसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ऐसे फिर ऐड वीडियो कर दूँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होगा, इस प्रकार से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब गाइज, आप सोच रहे हो कि ये वाली वीडियो मेरी ऊपर होनी चाहिए, तो इसका भी एक ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, पकड़ कर आप इसे ऊपर कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऊपर करेंगे, वो वाली वीडियो का जो प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। अब गाइस, बात आती है कि यार इस प्रकार करेंगे तो 1x करते करते हमारा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिस प्रकार से मोबाइल में मार्क करके हम करते थे तो प्ले लिस्ट काफ़ी सारी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ आपको गाइस। आपको सिंपली क्या करना है, वहीं पर जाना है, को वीडियो को चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे कई 2-3 वीडियो चूज कर लेता हूँ। किस प्रकार से चूज करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं कोई सी भी मोबाइल वाली जो रिलेटेड वीडियो है उन्हें मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने बताया था कि हॉट स्पॉट नॉट वर्किंग, तो आप इस पे एक क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको दूसरी वीडियो, जैसे ये वाली मोबाइल रिचार्ज, अब इसे भी चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का प्रेजेंट होगा। फिर आप मतलब सोच रहे हैं कि ये वाली वीडियो भी करना है, तो इस प्रकार से आप क्लिक कर दीजिए, या फिर ये वाली ऐसे कर दीजिए। तो आप जितनी भी वीडियो करेंगे, आपको यहाँ पे ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो सारी वीडियो यहाँ पे शो होगी। थोड़ा सा प्रोसेस हो जाए, देख सकते हैं सारी वीडियो इस प्रकार से प्ले लिस्ट के रूप में बन चुकी है।
और आप इसे इजीली तरीके से यहाँ पे सीन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे पूरा बैक कर देता हूँ। अब ये आपको एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बता दिया कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यदि कोई सी वीडियो आपको ऊपर प्रेजेंट करनी है, नीचे शो करानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। और यदि आप इसे किसी वीडियो को हटाना चाहते हैं गलती से आ गया, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव फॉर मोबाइल। तो मतलब आपका जो बना हुआ है ये मोबाइल का, मतलब ये वाला है, इस मोबाइल इस प्लेलिस्ट से गायब हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये देख सकते हैं गायब हो गया और ये आपकी प्लेलिस्ट हमेशा के लिए रेडी हो गई। तो ये प्लेलिस्ट जो हमारी है वो अनलिस्टेड है, या फिर आप प्राइवेट किया होंगे तो प्राइवेट होगा। जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये अनलिस्टेड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको करना है। तो बेसिकली आप पब्लिक करेंगे तो पब्लिक पे क्लिक कर दीजिएगा, और पब्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो व्यूवर्स हैं आपको शो होने लगेगा कि आपकी जो प्लेलिस्ट है वो किस प्रकार से शो हो रही है। वीडियो में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइस, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। आज के लिए नमस्कार, और प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।